के बाद आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला और देखते हैं आज की अगली खबर। सूबे को गुंडा राज और अपराध मुक्त करने का वादा करके लखनऊ की सत्ता संभालने वाली योगी सरकार का खौफ बेखौफ अपराधियों पर कहीं नजर नहीं आ रहा। इन दिनों अपराध के गढ़ का रूप ले रहे वाराणसी में आज एक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के रमना इलाके में बीती रात कुछ बदमाशों के द्वारा एक गोमती में आग लगा दी गई, जिससे एक व्यक्ति की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। शुक्रवार को वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र स्थित रमना इलाके में शुक्रवार को उस समय सनसनी का माहौल हो गया जब राहगीरों ने वहां एक बुरी तरह से जली हुई गोमती को देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस महकमे के साथ ही फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि मामला लंका थाना क्षेत्र के रमना लोटोबीर हाईवे के समीप का है। घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हैं। शुक्रवार की भोर में जब ग्रामीण शौच के लिए निकले तो देखा कि गुमटी जलकर पूरी तरह से राख है और पास में एक जले व्यक्ति का शरीर पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाते ही सीओ भिलुपुर राजेश श्रीवास्तव के साथ इंस्पेक्टर लंका देवेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय नागरिकों से जानकारी लेने के बाद जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मृतक की उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष की आंकी जा रही है। क्या हुआ बोलो, क्या देखे यहाँ पे आए? मैं तो आया तो यही देखा कि यहाँ पर ये जला हुआ बॉडी पड़ा हुआ था, तो इकट्ठा हुआ तो कोई पहचान नहीं पाता कौन है, कहाँ का है, कुछ नहीं पता। एक गोमटी वहाँ पर रखी हुई थी, कल 11 बजे लाके लोग रखे थे, बता रहे थे, दादा थे बता रहे थे कि 11 बजे गोमटी आई थी ऑटो से, उसके बाद ये घटना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची है? हाँ, पुलिस तो पहुंची है, एसओ साहब पहुंचे हैं, डाफी चौकी इंचार्ज पहुंचे हैं, सभी लोग आए हैं। क्या लग रहा था देखने से, कितनी उम्र लग रही थी उस बॉडी की? उनको तो लग रहा था कि 25 30 साल का रहा होगा। और क्या देखा, साइकिल वाइकिल कुछ पड़ा हुआ? साइकिल थी वहाँ पर ऊपर, नई साइकिल। एक व्यक्ति को जिंदा जलाए जाने की इस दिल दहला देने वाले मामले में पुलिस भी मृतक को जिंदा जलाए जाने की दृष्टि पर जांच कर रही है, क्योंकि मौके पर जो निशान मिले हैं उससे यही लगता है कि जब उसे जलाया गया तो वो जिंदा था और उसने बचाव के लिए इधर उधर भागना शुरू किया, जिससे घटना की कुछ दूर तक दौड़ने के निशान भी मिले हैं। मृतक के पैर के तलवे को छोड़कर पूरा शरीर बुरी तरह से जल चुका है। वहीं इस घटना में सीओ भेलुपुर का कहना है कि घटना में जो भी लोग शामिल हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे और इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपने बयान में ये भी माना कि मृतक को बेरहमी से जलाकर मारा गया है। एक्चुअली वो हाईवे के किनारे रमना एरिया पड़ता है, मलैया के आगे वाला एरिया, वहाँ पे एक गुमटी थी, जिस गुमटी में अचानक आग लग गई और उसमें एक व्यक्ति, एक लड़का टाइप का था, लगभग 30 वर्ष से कम उम्र रही होगी, तो उसके जलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पे पुलिस मौके पे गई तो जली हुई स्थिति में उसकी बॉडी मिली, उसको पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और सुपरफिशियली और कोई इंजरी दिखाई नहीं दे रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इन सारी चीज़ों की जांच की जा रही है कल, क्योंकि दोपहर में बता रहे हैं कि लगभग 11-12 बजे कोई गाड़ी से आके गुमटी रख गया और उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ से वो लड़का रात में जली हुई अवस्था में अभी सुबह मिला, तो दो सारी चीज़ें बड़ी परिस्थिति बड़ी संदिग्ध है कि मतलब 24 घंटे पहले गुमटी आती है, फिर आज 24 घंटे बाद उसमें एक जली हुई अवस्था में डेड बॉडी मिलती है उसके पास में, तो सारे पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है और पास में तालाब भी है, तो ये कयास लगाया जा रहा है कि कोई हो सकता है संभवतः कोई घटना हो या हो सकता है एक्सीडेंटल हो,
लेकिन संपूर्ण प्रकरण की जांच की जा रही है, क्योंकि डेड बॉडी की भी शिनाख्त नहीं हुई है। मोबाइल फ़ोन भी जली हुई अवस्था मिला है, मोबाइल फ़ोन के भी IMI रन कराई जा रही है और टावर रन कराया गया, अभी तक शिनाख्त नहीं हुआ, शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। एक्चुअली जलने के बाद जब बॉडी औंधे मुँह गिरी है तो उसमें नाक से ब्लीडिंग हुई है, तो नाक से जो ब्लीडिंग निकली है उसी के वो निशान है। नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दीप सिंह और आप देख रहे हैं इनविजन न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। आज डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने को लेकर मंडला आयुक्त कार्यालय में आयोजित डिजिटल मेला के आयोजन के दौरान ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान आयुक्त विंध्याचल मंडल रंजन कुमार, DM कंचन वर्मा और ASP के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस गोष्ठी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान के निर्माण में दिए गए योगदान पर चर्चा करते हुए उनके जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को अपनाने की बात करते हुए मौजूद विभाग के अधिकारी एवं बैंक अधिकारियों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिए जाने का निर्देश दिया गया। इस दौरान लोगों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने का निर्देश देते हुए DM कंचन वर्मा ने कहा कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे ताकि स्वच्छ और स्वस्थ भारत की ओर हम सब अपने कदम बढ़ा सके। देश आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर याद कर रहा है। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 126वीं जयंती पर जहां आज PM मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सिर्फ अंगूठे से पेमेंट करने वाली योजना की शुरुआत की, वहीं राष्ट्र और संविधान के निर्माण में अपना विशेष योगदान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज मिर्जापुर में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समरसता का संदेश देने के लिए सामूहिक सहभोज का भी आयोजन किया गया। जीवन जिए हैं, कुआं के पानी को छूने नहीं दिया जाता था। उस समय बाबा साहब ने
सारी शिक्षा लेकर जब अपने देश में आए तो उन्होंने सोचा इनका उत्थान नहीं होगा तो हमारे शिक्षा का क्या मतलब निकलता है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि भारत को जो संविधान आज दिया गया है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। सेव कर दो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 126वीं जयंती पे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे सहयोग का कार्यक्रम रखा है। इसमें विचार व्यक्त करने के बाद सामूहिक रूप से सभी वर्गों के साथ अपने अपने घरों से पैकेट और जलपान लाए हुए हैं। सब लोग आपस में बैठे एक दूसरे का मिला के जलपान एक साथ कर रहे हैं। हमारा जलपान कोई किसी का एकदम एक सामाजिक सद्भाव और व्यवहार बना रहे उसके लिए कार्यक्रम है। हमारे मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को एक रखने में विश्वास रखती है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग तो हर साल प्रतिवर्ष मनाते हैं अम्बेडकर जी की जयंती, लेकिन इस वर्ष को विशेष रूप से मनाया जा रहा है समरसता दिवस के रूप में। दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती आज भदोही में भी पूरे उत्साह के साथ मनाई गई। इस दौरान पूर्व भदोही विधायक जाहिद बेग ने बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों के द्वारा बाबा साहब को अपना बताने पर छिड़ी जंग पर जाहिद बेग ने कहा कि बाबा साहब किसी एक के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए थे और उन्होंने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात कही। बाबा साहब अलग रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन मेरा एक कहना निवेदन यह है कि आज का दिन खास तौर से दलित समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण का दिन है। ये हमारे आपके समाज के लिए पर्व का दिन है, जिससे कि हमारे आपके समाज को मैं पिछली इतिहास नहीं बताना चाहता हूं, सारे लोग जानते हैं। मैं इतना कहता हूं विकसित समाज में बाबा साहब ने जो आगे चलने का हमें आपको मौका दिया है, आज उसी कड़ी में हमारे बीच में आदरणीय विधायक साहब भी मौजूद हैं। भारती जी ने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसमें दो राय नहीं है कि आज़ाद भारत के ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आदरणीय भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब 1891 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक गरीब परिवार में जन्म लिए। माँ भीमाबाई ने इनको जन्म दिया और 5 साल की उम्र में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के माता और पिता दोनों ही दुनिया से रुखसत हुए और 5 साल की उम्र में पढ़ने में इतने तेज प्रतिभा के धनी थे बाबा साहब कि गायकवाड़ के राजा ने इनको गोद ले लिया और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अध्ययन के लिए भेज दिया मात्र 5 साल। मेरा आप सभी साथियों से आज इस पावन पर्व पर इतना ही कहना है साथियों कि बाबा साहब का जो तीर मंत्र था उसे हमारे आपके समाज में हमारे आपके जीवन में पूर्णतया उतार करके उनके बताए हुए रास्ते पर उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की आज हम कसम खाते हैं। आज़ादी के लगभग 70 साल ऊपर हो गए हैं और अम्बेडकर जी के बारे में बहुत मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने खुद हम लोग को रास्ता दिखाया है। आपको लोकताओं ने बहुत डिटेल से बताया उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे पढ़े। कॉलेज के अंदर एक साथ बैठ के पढ़ने का अधिकार नहीं था, पढ़ाई के दरमियान उनको कॉलेज के क्लास के बाहर बैठाया जाता था। इन परिस्थितियों में कहां तक पहुंचे।
डॉक्टर अंबेडकर की जयंती समारोह में डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए जाहिद बेग ने कहा कि आज का समाज दलितों और शोषितों के नाम पर राजनीति कर रहा है। क्या ये सही है और क्या यही सपना बाबा साहब का था? उनका सपना था कि शिक्षित हो, सशक्त बनो और फिर संघर्ष करो, पर आज लोग समाज को सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के जन्मदिन पर बाबा साहब ने भदोही को नहीं संदेश दिया है बल्कि पूरा देश संदेश दिया है और उस संदेश पूरे देश को पालन करना चाहिए। और संविधान के बाद संविधान जो बनाया बाबा साहब ने और जो आरक्षण की व्यवस्था किया और उसमें कल मैं टीवी देख रहा था कि प्राइवेट स्कूलों में जो आरक्षण था पहले उसको ख़त्म किया गया है। इस मौके पर ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है उससे अलग हटकर मौजूदा सरकार काम कर रही है। मैं चाहता हूँ बाबा साहब ने जो सपना देखा था और उनके माध्यम से जो देश के लोगों ने सपना देखा था आरक्षण की व्यवस्था उसको लागू करना चाहिए। आज भी देखते हैं आप कि कुछ ऐसे राजनेता हैं जो दलितों शोषितों के नाम पे राजनीति करते हैं। देखिए राजनीति कौन क्या करता है, किस पे करता है और अगर राजनीति करना अलग है उस पर उनको उनके लिए काम करना चाहिए। राजनीति नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए और कौन क्या करता है उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो संविधान के तहत जो व्यवस्था दी गई है, संविधान ने जिसको रखा है उस व्यवस्था के तहत देश की जनता को व्यवस्था मिलनी चाहिए। यूपी में सत्ता संभालते ही स्लॉटर हाउस, एंटी रोमी और किसान कर्ज माफी पर योगी सरकार के लिए गए ताबड़तोड़ फैसले के बाद अब सरकार से जनता की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में दोहरी शिक्षा नीति समाप्त कर समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने, दोषपूर्ण आरक्षण व्यवस्था खत्म करने और न्यायालय में सभी मामलों का निस्तारण करने और कृषि योग्य जमीनों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग करते हुए आज जनहित मोर्चा ने आयुक्त विंध्याचल मंडल के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार को एक मांग पत्र सौंपा और देश और समाज हित को देखते हुए इन मांगों को पूरा किए जाने की मांग की। इस बारे में जनहित मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक लक्ष्मी नारायण कुशवाहा का कहना है कि पहले भी जनहित मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन समस्याओं को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया गया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं जनहित मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर 15 दिनों के अंदर इस मांग पत्र पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो जनहित मोर्चा बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज 11 सूत्री मांग पत्र मंडल आयुक्त को सौंपा गया जिसमें दोहरी शिक्षा नीति समाप्त हो, एक हाई कोर्ट से आदेश आया था जिसमें अधिकारी कर्मचारी मंत्री सभी विधायक संसद सभी लोगों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। साल भर आदेश के बाद भी आज तक उसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने वह सवाल किया है कि आज तक साल भर बीत जाने के बाद कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। उसी से दोषपूर्ण आरक्षण व्यवस्था समाप्त हो, जिस परिवार के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ एक बार मिल जाए उसे दोबारा तब तक न मिले जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण न पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश में जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन है दिल्ली सरकार 1500 रुपये से 2000 रुपये दे रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में शौचालय व्यवहार क्यों, मैंने वह दिल्ली सरकार के बराबर पेंशन की मांग किया है। इसी तरह से हमारे 11 सूत्री ज्ञापन है और छोटा पशुओं के संबंध में है, बनेला सुअर के संबंध में है, जो किसान परेशान है रोड के संबंध में है, किसान परेशान है उनको बिजली और पानी दीजिए, अन्य जानवरों से मुक्ति दीजिए, यही हमारी मांग है। यह राष्ट्रीय पैमाने पर है, अगर 15 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल के यहाँ हम धरना प्रदर्शन अनशन का कार्यक्रम। बुलेटिन में इस वक्त फिलहाल इतनी खबरें, कुछ और खबरों को लेकर जल्द हाजिर होंगे इन विजन के अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहिए इन विजन न्यूज के साथ।